दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक ऐसी इन्वेस्टिंग या कहें कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके मैं पिछले कई सालों से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करता आ रहा हूं। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, मैंने अपनी इस स्ट्रेटजी से रिसेंटली जो प्रॉफिट अर्न किया है वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने भी वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूं। ये मैंने अपना एंजल वन का डीमैट अकाउंट खोल लिया है। तो अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप भी एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ेरोधा या अप स्टॉक्स में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको अपना P&L स्टेटमेंट दिखाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 20 मार्च 2023 को अडानी ग्रीन की 1376 क्वांटिटी सेल की थी, यानी इससे पहले मैंने बाय कर रखी थी और इसमें मुझे 105,101 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक में प्रॉफिट नहीं हुआ है, मुझे एक और स्टॉक में रिसेंटली इसी स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट हुआ है और वो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस का। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कब इस स्टॉक को बाय किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 21 मार्च 2023 को 605 शेयर्स बाय किए थे 1817 रुपीज एंड 33 पैसे की प्राइस में, जिसको बाय करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए दिए थे और इस स्टॉक में मुझे 3,07,805 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और ये प्रॉफिट मुझे सिर्फ 2 महीने के अंदर ही हुआ है। इवन आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही में इस स्टॉक की प्राइस 18% बढ़ी है और आज ही में मुझे 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों आज नेक्स्ट डे है, कल हमने इस वीडियो को शूट किया था और आज हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आज भी अडानी एंटरप्राइजेस की प्राइस 12% से ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 4,87,000 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है। सुबह एक टाइम पर ये 5 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया था। तो आपने देखा कि मैं खुद भी इस स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं और इस प्रॉफिट के लिए ना मैंने ट्रेडिंग जितना हाई रिस्क लिया, ना मैंने करोड़ों की कैपिटल लगाई। मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए थे, उसको बढ़ाकर पहले 11 लाख किया और फिर उस 11 लाख में ही 3 लाख रुपए का और प्रॉफिट जनरेट कर लिया, मतलब 10 लाख के ही 14 लाख रुपए बना दिए। तो ये स्ट्रेटजी क्या है जिसका यूज करके मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो चलिए अब वो जानते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि मैंने अडानी ग्रीन के स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट किया था और क्या देखकर इन्वेस्ट किया था। तो आप जानते हैं कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उसने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और उसके बाद अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से क्रैश कर गई थी। जहां अडानी ग्रीन के शेयर की प्राइस इस रिपोर्ट के आने से पहले 17 जनवरी को 2000 रुपए से भी ऊपर चल रही थी, वहीं इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही इसकी जो शेयर की प्राइस थी वो 1000 रुपए से भी नीचे आ गई थी। आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी को जो प्राइस थी वो 935 रुपए के आसपास आ गई थी और अगर 2 हफ्ते बाद की बात करें तो प्राइस लगभग 762 रुपए पे आ गई थी। मतलब अडानी ग्रीन का जो ये स्टॉक था ये 60% से भी ज्यादा क्रैश कर गया था। इसके बाद जब प्राइस गिरकर 724 रुपीस पे आई ना, उस टाइम पर मुझे लगा अपनी रिसर्च करने के बाद कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है और एक ना एक टाइम पर इसकी जो प्राइस है वो इस लेवल से ऊपर जाएगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो रिपोर्ट पब्लिश की थी वो बायस्ड थी और उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने के पर्पज से ही उस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। और इससे मुझे ये फील हो रहा था कि जो ये प्राइस गिरी है ना शेयर्स की, ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से गिरी है जो कि आने वाले कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएगी। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं जानता था कि प्राइस भले ही वापस 2000 रुपए पे ना जाए, लेकिन ये जो 724 रुपीस पे मैंने बाय किया है इसके ऊपर तो जरूर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने 724 रुपए की ही प्राइस में 10 फरवरी को इस स्टॉक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब देखो, मैं ये जानता था कि मेरे बाय करने के बाद प्राइस और ज्यादा गिरेगी, लेकिन कितनी ज्यादा गिरेगी ये मैं नहीं जानता था, क्योंकि ऐसे केसेस में बॉटम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और इवन विजय केडिया, जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, उनका एक कोट भी है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति बॉटम में बाय करके टॉप में सेल कर सकते हैं, एक तो है भगवान और दूसरा है झूठा व्यक्ति। तो क्योंकि ना मैं भगवान हूं और ना मैं झूठ बोल रहा हूं, इसलिए जब मैंने 724 रुपीस की प्राइस में इस स्टॉक को बाय किया था ना, उसके बाद इस स्टॉक की प्राइस गिरकर आप देख सकते हैं कि 486-462 रुपए तक आ गई थी,
मतलब बहुत ज्यादा गिर गई थी और इस टाइम पर मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 2.5 लाख रुपए का लॉस नजर आ रहा था। बट क्योंकि मैं जानता था कि जिस प्रॉब्लम की वजह से इस स्टॉक की प्राइस गिर रही है वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब प्राइस वापस भले ही वो 2000 रुपए के रेट पे ना जाए लेकिन जिस प्राइस पे मैंने बाय किया है उससे ऊपर तो जाएगी ही, इसलिए मैं इस स्टॉक में बना रहा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस बढ़कर 1000 रुपए तक चली गई थी लेकिन मैंने इससे पहले ही 20 मार्च के दिन इस स्टॉक को सेल कर दिया था और ऐसे मुझे इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं था कि इसके ऊपर भी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, मुझे पता था कि इसके ऊपर भी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है लेकिन क्योंकि इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग जा रहा था इसलिए मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में ही इस स्टॉक से बाहर निकलना सही समझा और 1 लाख के प्रॉफिट में ही इस स्टॉक को सेल कर दिया। तो मैंने इस स्टॉक को 20 मार्च को सेल किया था और इस स्टॉक को सेल करने के एक दिन बाद ही यानी मैंने 21 मार्च को जो 11 लाख रुपए मुझे इस स्टॉक को सेल करके मिले थे, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, इसके ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो टोटल 11 लाख रुपए जो मिले थे वो मैंने अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को बाय करने का रीजन भी वही था कि उसकी प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 60% क्रैश कर चुकी थी। तो ये मैंने अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट खोल दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 21 मार्च को इसकी जो प्राइस थी वो 1824 रुपए की पे क्लोज हुई थी और मैंने इसी दिन 1817 रुपए की प्राइस में जो मुझे 11 लाख रुपए अडानी ग्रीन को सेल करके मिले थे वो सारे पैसे इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए थे। अब देखो यहां पर भी आप देख सकते हो कि मेरे बाय करने के ठीक बाद प्राइस बढ़ना शुरू नहीं हुई बल्कि इवन गिरने लगी 1794 रुपीस, 1740 रुपीस और यहां पर आप देखेंगे तो 28 मार्च को मतलब मेरे बाय करने के सिर्फ 7 दिन बाद ही प्राइस गिरकर 1600 रुपए पर आ गई थी और इसमें भी मुझे 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस नजर आने लगा था। बट अगर आप पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछले 5 दिन में ही इसके शेयर की प्राइस 21% से ज्यादा बढ़ चुकी है और सिर्फ आज में इसके शेयर की प्राइस 19.55% मतलब ऑलमोस्ट 20% बढ़ी है। और आपको पता है कि मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसका 20% होता है लगभग 2 लाख रुपए से भी ज्यादा, यानी आज में मुझे इस स्टॉक में 2 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है और मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो मैं आपको दिखा चुका हूं कि इस स्टॉक में 3,07,000 रुपए के आसपास चल रहा है। अब देखो ऐसा नहीं है कि अडानी इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोरोना के टाइम पर भी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते में मिल रहे थे, आप रिलायंस का ही एग्जाम्पल ले लो। तो अभी मैंने आपके सामने रिलायंस का चार्ट खोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना से पहले रिलायंस के जो शेयर की प्राइस थी वो लगभग 1600 रुपीज के आसपास चल रही थी और उसके बाद जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सिर्फ 2 महीने में रिलायंस के शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट 45% गिरकर 867 रुपीज तक आ गई थी। बट इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 6 महीने में ही रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़कर 2400 रुपए तक चली गई थी, मतलब जिसने यहां पर बाय करके यहां पे सेल किया होगा उसका पैसा 3 गुना हो गया होगा। लेकिन मैंने आपको कहा है कि कोई भी नहीं जानता है कि कहां तक शेयर की प्राइस गिरेगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहां पे बाय किया होता, बट अगर आपने यहां पर बाय कर लिया होता या फिर जब प्राइस बढ़ने लगी थी तब आपने यहां पर 1000 रुपए में बाय करके अगर 1300-1400 रुपए में भी बेच दिया होता, 1500 रुपए में भी बेच दिया होता, तब भी आप 40-50% के रिटर्न्स सिर्फ 1-2 महीने में ही कमा लेते। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके ऊपर आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, 10 लाख लगाए होते तो उसके ऊपर आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। और आप समझ सकते हैं कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है तो अगर शेयर की प्राइस गिरती है वो भी इतनी ज्यादा गिरती है एक टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से तो उसके रिकवर करने के चांसेस बहुत हाई होंगे, तो यहां पर आप रिस्क ले सकते थे। अब क्योंकि मैंने आपको अडानी का एग्जाम्पल दिया जिसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, दूसरा मैंने आपको कोरोना का एग्जाम्पल दिया जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, तो ये देखकर आपको लग रहा होगा कि यार जब कुछ ऐसा बड़ा होता होगा ना तभी ये स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको बस उन स्टॉक्स को ढूंढना होता है। इवन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर अपने एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताया था जिसको मैंने तब बाय किया था जब उसको पहली बार, मतलब कभी लॉस नहीं हुआ था, पहली बार एक क्वार्टर में लॉस हुआ था और उस लॉस की वजह से उसके शेयर की प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन हो रखा था और उसके लॉस का रीजन ये था कि वो एक पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी थी और पीवीसी पाइप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता ना उसकी प्राइस काफी बढ़ रखी थी जिसकी वजह से उस कंपनी को लॉस हुआ था। और मैं ये जानता था कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो मैंने उस स्टॉक को बाय किया और उस स्टॉक में भी मुझे 3 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है।
अगर आप उस स्टॉक के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन में एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी इस स्ट्रेटजी में हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनमें कोई टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही हो। अब वो टेम्पररी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस का बढ़ना या शॉर्टेज होना एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई वन टाइम इवेंट जैसे कोरोना आया था, या फिर अडानी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, या फिर इलेक्शंस, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। बट जो भी रीजन हो वो टेम्पररी रीजन होना चाहिए, परमानेंट रीजन नहीं होना चाहिए। और उस टेम्पररी रीजन का उस कंपनी के फंडामेंटल्स या बिजनेस में सिर्फ टेम्पररी ही इफेक्ट पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस में एक मेजर करेक्शन हुआ होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस अच्छी खासी गिरी होनी चाहिए। और क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब शेयर की प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आएगा, जिससे आप कुछ ही महीनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है शेयर की प्राइस में करेक्शन होना, मतलब शेयर की प्राइस अच्छी खासी गिरी होनी चाहिए तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। दूसरा, उस करेक्शन के पीछे जो रीजन है ना वो टेम्पररी रीजन होना चाहिए। अब इसके लिए आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस को एनालाइज नहीं करना आता है और अगर आपने गलती से किसी परमानेंट प्रॉब्लम को टेम्पररी समझ लिया तो इस केस में आपका पैसा बहुत लंबे टाइम तक फंस भी सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको बिजनेस को एनालाइज करना आना चाहिए और आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। और तीसरा, इसमें टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो शेयर की प्राइस थोड़ा बहुत गिरी और आपने फोमो में आकर उसी टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसे में हो सकता है कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए और फिर कई सालों तक उस लेवल पर ना आ पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो जब अडानी एंटरप्राइजेस की प्राइस 4,000 रुपए से गिरकर 3,000 रुपए पे आई थी, अगर मैंने तभी उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया होता तो मैं एक अच्छे खासे लॉस में होता और बहुत लंबे टाइम तक लॉस में ही रह सकता था, या फिर मुझे लॉस में ही अपनी उस पोजीशन को सेल करना पड़ सकता था। तो अगर इसमें आपकी टाइमिंग सही नहीं होगी तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना पैसा फंसा देंगे या फिर लॉस में रहेंगे। तो अगर किसी टेम्पररी रीजन की वजह से शेयर की प्राइस गिर रही है तो पहले उसे अच्छे से गिरने दो, गिरने के बाद थोड़ा स्टेबल होने दो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने की सोचो, और वो भी पूरी रिसर्च करने के बाद। अब अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी है और आप इसे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना ओपनली कोई भी अपना प्रॉफिट या अपनी स्ट्रेटजी नहीं शो करता है। और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ रिस्क और डिफिकल्टीज के बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे पहला रिस्क ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप अच्छे खासे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहां पर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है और जिसके शेयर की प्राइस गिर रही है, तो यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग से कम रिस्क है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्क है। और दूसरा, इसमें आपको एक बहुत ही स्ट्रांग रिसर्च की जरूरत पड़ती है, आपको बिजनेस को एनालाइज करना होता है, और अगर आपने गलत रिसर्च कर दी, आपकी रिसर्च सही नहीं निकली तो यहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं है कि जब आप स्टॉक को बाय करेंगे उसके अगले दिन से ही प्राइस बढ़ने लग जाएगी। हो सकता है कि जब आप बाय करें या ज्यादातर केस में जब आप बाय करेंगे तो उसके बाद चांसेस हैं कि प्राइस और ज्यादा गिर जाए, और जब प्राइस गिर रही होगी आपको आपके डीमैट अकाउंट में लॉस नजर आ रहा होगा, तब आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी। बस आपकी रिसर्च सही होनी चाहिए, इतनी सही होनी चाहिए कि जिस प्राइस पे आपने बाय किया है ना, तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब प्राइस एटलीस्ट उससे ऊपर चली जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पर आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपको पेशेंस रखना होगा, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्क है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस स्ट्रेटजी को ट्राई करें, और अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी ट्राई करते हैं तो ध्यान रखिए कि अपने रिस्क पर करें, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, बहुत सारे तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो हमने सभी डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और एंजल बन में तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुल रहा है, तो डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।